लंदन में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर बोला पीएम पर हमला। राहुल ने पीएम मोदी को घमंडी और अमित शाह को बताया हत्यारा। कहा भारत को कुछ लोग बना रहे कमजोर। आज सुबह मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रेडियो पर 47वीं बार करेंगे मन की बात। कई मुद्दों पर रख सकते हैं अपने विचार। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के अनिश्चितकालीन अनशन का दूसरा दिन। आरक्षण और किसानों के मुद्दे पर अपने आवास पर दे रहे हैं धरना। कई नेताओं के पहुंचने की उम्मीद। नेशनल हेराल्ड पर 5000 करोड़ का मानहानि का केस। राफेल डील पर लेख छापने को लेकर अनिल अंबानी ने दर्ज कराया मुकदमा। अमर सिंह ने वीडियो जारी कर अखिलेश पर बोला हमला। भगवान विष्णु के मंदिर को लेकर कहा अखिलेश समाजवादी नहीं नमाजवादी हैं। कांग्रेस में वापसी के बाद कश्मीर पहुंचे मणिशंकर अय्यर। बोले वार्ता में हुर्रियत को भी करना चाहिए शामिल। सभी से बातचीत से निकलेगा हल। उन्नाव गैंगरेप केस में मुख्य गवाह की मौत के बाद बवाल। कब्र से गवाह का शव निकालकर पुलिस ने किया पोस्टमार्टम। विरोध में 22 रिश्तेदार आत्मदाह करने पहुंचे लखनऊ। उत्तर भारत में सैलाब का सितम जारी। उत्तराखंड में जगह जगह भूस्खलन से मुख्य मार्ग बंद। हिमाचल में भी लोगों को हो रही है परेशानी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देश भर में रक्षाबंधन की रौनक। भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही बहनें। जम्मू में बच्चियों ने जवानों को बांधी राखी। और एशियाई गेम्स में आज 400 मीटर रेस में पदक के लिए उतरेंगी हीमा और निर्मला। पुरुष लॉन्ग जंप के फाइनल में श्री शेखर पेश करेंगे चुनौती।